नमस्ते, सत श्री अकाल, की हाल चाल, व्हाट्स अप यू गाइस। तो आज है संडे और आज फिर से संडे स्पेशल, जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, एक फूड ब्लॉग। तो हमको लगभग 200 ब्लॉग हो गए, यू नो, हमारा यूट्यूब चैनल शुरू करके, लेकिन आज तक हमने कभी दाल पकवान का ब्लॉग नहीं बनाया था। तो आज, जैसे आप थंबनेल और टाइटल से समझ ही गए होंगे, किशोर मोटवानी जी हैं जो जिनका मैं आपको मेन्यू बताऊंगा बाद में। ये उनकी माता जी और उनकी वाइफ मिसेज मोटवानी का एक वेंचर है और अमेजिंग दाल पकवान बनाते हैं। उल्लासनगर के रहने वाले हैं और सिंधी हैं, और ये एक सिंधी डिश है दाल पकवान, और उन्होंने हमें ये दिया है, थैंक्स टू किशोर मोटवानी जी एंड फैमिली। तो हम ये दाल पकवान टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं हाउ अमेजिंग दिस इज, यू नो। वाओ, आई एम हैविंग दिस एक्चुअली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। वाओ, फैंटास्टिक मैन, बहुत बढ़िया, बहुत अमेजिंग। आई एम हैविंग दिस आफ्टर एजेस। तो आप सोच सकते हैं कितना मजा आ रहा होगा। बहुत बढ़िया, कमाल है। आप भी एंजॉय कीजिए मेरे साथ, ये लीजिए, आइए। एडिटर साहब भी, एडिटर साहब इज यूजुअली बिहाइंड द कैमरा, आज वो भी आ गए। इतने सुंदर मस्त दाल पकवान है, पकवान इज एकदम क्रिस्पी करारा, जैसे शेफ रणवीर ब्रार बोलते हैं, एंड दाल तो इज माइंड ब्लोइंग अमेजिंग। दे हैव दिस अमेजिंग चटनी, एंड किशोर मोटवानी जी ने हमको कॉम्प्लीमेंट्री गुलाब जामुन भी दिए हैं, जो हम आपको इसके बाद बताएंगे। तो एडिटर साहब, शूट, गो फॉर इट, आप खाइए और आप बताइए द शेफ्स स्पेशल, द शेफ्स रिव्यू। ये देखिए, थोड़ी सी चटनी गई अंदर और ये मिक्स हो रही है। वैसे दाल तो इज एब्सोल्युटली अमेजिंग, बट चटनी मिला के और अमेजिंग हो गई। वाओ, देयर गोस पकवान इनटू द दाल एंड देन इनटू एडिटर साहब्स माउथ। कैसा है? लाजवाब, मजा आया, क्रिस्पी है बिल्कुल, हाँ, फैंटास्टिक। दाल और चटनी का जो कॉम्बिनेशन है, सुपर्ब है। वाओ, सो लेट अस एंजॉय दिस एंड एज यूजुअल वी विल लेट यू नो, वी हैव ऑलरेडी लेट यू नो, बट वी विल गेट बैक टू यू विद द कॉम्प्लीमेंट्री गुलाब जामुन। Guys, finally a dip into these lovely gulab jamuns. Amazing. Masa aa gaya. Piping hot. Soft. But very good. Thank you Kishoreji and family. In the next clip, I'll tell you the cost and I'll show you the menu as well. Till the time, let me enjoy. सो गाइज, नाश्ता बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आ गया, इट रियली मेड अस संडे। और द टोटल कॉस्ट मैं आपको इसका बता देता हूँ कितना है। दाल पकवान हमको पड़ा था, यू टोटल कॉस्ट उसका 190 है, और बेसिकली इट हैज़ वन दाल एंड वन पकवान। द पकवान इज मैसिव साइज, एज यू हैव सीन। बाकी जगह क्या होता है कि दो पकवान देते हैं वो, लेकिन वो कंपेरेटिवली छोटे छोटे होते हैं, ये मैसिव साइज था। वी थॉट कि वैसा ही होगा, तो हमने इसलिए उनको बोला कि एक्स्ट्रा पकवान भी दे दीजिए। तो वो उसका उन्होंने 25 रुपीज एक्स्ट्रा लिया। सो एक दाल और एक पकवान आप लोगे तो उसका कॉस्ट 70 रुपीज है। तो अगर आप एक सिंगल प्लेट और एक्स्ट्रा पकवान लोगे तो इट विल बी 70 + 25, दैट इज 95। तो 95 होता है अगर वो एक्स्ट्रा पकवान आप नहीं भी लोगे, लेकिन वी थॉट कि इट्स अ संडे, माइट एज वेल ईट, यू नो, वेल। सो वी ऑर्डर दैट एक्स्ट्रा पकवान, और पकवान जैसे उन्होंने हमको बताया था कि ख़राब नहीं होते, यू कैन कीप इट इन द बॉक्स एंड इट, यू नो, 7-8 दिन वो चल जाता है, और इवन मोर देन दैट एज वेल। But it was a fantastic meal. You know, I have the menu with me. I'll show that menu to you on screen. So they have amazing offers as well. अगर आपको सिंधी फूड पसंद है, अगर आपको दाल पकवान पसंद है, तो प्लीज़ किशोर जी को कॉल कीजिए, एंड वो और उनकी फैमिली आपके लिए अमेजिंग सिंधी डिशेज, दाल पकवान एंड यू नो वॉट नॉट, दे विल गिव इट टू यू। सो बहुत मज़ा आया। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा आप हमें बताइए। अगर इस तरह की और ब्लॉग चाहिए तो डू लेट अस नो एज वेल। तब तक देखते रहिए, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, टेक केयर, स्लीप वेल एंड टालियोस। वी विल लेट यू नो हाउ इट इज। बहुत गर्म आया। अमेजिंग।